ये सेलिब्रेशन का के लिए हम लोग आज काइट्स हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। एंड काफ़ी सब लोग इधर आ गए, हम सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड काइट्स में आप देखिए सागरमाला का भी हमारा जो लोगो भी है सागरमाला का भी। एंड सागरमाला प्रोग्राम पूरा पोर्ट, इंडियन पोर्ट सेक्टर का उसका चेहरा को बदल दिया। इसलिए हम सबको पब्लिक को बोलना चाहते हैं कैसे चेहरा बढ़ दिया। हम 7 साल पहले क्या है, 7 साल के बाद क्या है, ये आप कंपेयर करने से पूरा इंडियन पोर्ट्स टोटली बदल गया। वर्ल्ड क्लास लेवल पोर्ट्स में सारा मेजर पोर्ट्स उभर के आ रहे हैं। 25 मार्च 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सागरमाला प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये सागरमाला प्रोग्राम में बेसिकली 4 पिलर है। एक तो सब पोर्ट्स का कैपेसिटी बढ़ाना है, दैट इज़ 1 पिलर है। दूसरा पोर्ट्स का कनेक्टिविटी बढ़ाना है, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, ये दूसरा पिलर है। थर्ड पिलर है मॉडर्नाइजेशन, पूरा मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन है। फोर्थ पिलर है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये 4 पिलर्स का आधार पर यह सागरमाला प्रोग्राम सब मेजर पोर्ट्स को पूरा चेंज कर दिया। 7 साल में लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट अभी और प्रोग्रेस में चल रहा है। पारादीप पोर्ट का सपोज बात करने से, पारादीप पोर्ट 7 साल में करीब करीब 3,600 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। आज कैपेसिटी में 278 मिलियन टन कैपेसिटी पोर्ट का उभर करके आ गया। इंडिया में कैपेसिटी वाइज हमारा नंबर 1 पोर्ट है। एंड उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, हमारा रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। उसका अलावा नेशनल वाटर वे, एक हमारा ब्राह्मणी रिवर है, ये ब्राह्मणी रिवर है, नेशनल वाटर नंबर 55 है, इसको हम लोग अभी इम्प्रूव कर रहे हैं इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी के साथ। करने से हमारा जो कोयला जो आता है तालचेर से या स्टील प्लांट्स के लिए जो स्टील आता है, इम्पोर्टेड कोल जाता है, ये सारा मोमेंट हम वाटर वे के साथ भी कर सकते हैं।